नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी एसडीएम कार्यालय का आज सेना की तैयारी करने वाले छात्रों व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने घेराव करते हुए नारेबाजी कर जबरन एसडीएम कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की। अग्निपथ योजना में किए गए बदलाव के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंचे छात्रों का कहना है था कि कोई भी रोजगार वो होता है जो स्थायी हो। देश की सेना जैसी महत्वपूर्ण संस्था में केवल 4 साल के लिए नौकरी देने के नए तुगल की फरमान से समस्त छात्रों में रोष व्याप्त है। देश भर में तैयारी कर रहे छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से सेना की तैयारी करने वाला छात्र बड़ी आशाओं से देश की रक्षा के सपने लिए सेना की तैयारी करता है, लेकिन 4 साल हेतु नौकरी में रखने के इस अजीब निर्णय ने समस्त छात्रों के सपनों में पानी फेर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग कहते हैं इन अग्निवीरों से हम भाजपा कार्यालयों की चौकीदारी कराएंगे। ऐसी निंदनीय बयानों से देश भर में युवा आंदोलित हो रहा है और आज कटनी जिले में भी छात्र युवाओं ने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव कर अग्निपथ योजना का विरोध किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष देवांशु अंशु मिश्रा ने कहा कि जहां मध्य प्रदेश में नौकरी की अवधि बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई और निरंतर एनएसयूआई की मांग के बाद भी नई नई वैकेंसी निकाली नहीं जा रही, यह दोहरा मापदंड छात्रों के भविष्य खराब करने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम में अग्निपथ योजना में किए गए बदलाव को वापस लेने के लिए, यही है अग्निपथ योजना में जो बदलाव किए गए उसको वापस लेने के लिए है। मेरा नाम मनीष शुक्ला, तहसीलदार। आज आप किस लिए आए थे यहाँ पर और क्या मांगते हैं? अग्निपथ जो योजना निकाली है सरकार, उसको वापस लेना होगा। दूसरी बात, अग्निपथ योजना होती है, कोई भी योजना आती है वो आगे के लिए आती है। जिनका पेपर है, जिनने अपनी भर्ती निकाली, मेडिकल निकाला, उसके बाद फिट हुए, उनका क्या, उनको क्यों रद्द कर रही है सरकार? इसके पीछे क्या है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप आके किसी एग्ज़ाम को कैंसिल कर देंगे? हम लोगों का खुद का पैसा लगता है, हम जाते हैं, दौड़ते हैं, मेडिकल निकालते हैं, 2 दिन का मेडिकल होता है, नंगे होकर मेडिकल निकालते हैं, 2 दिन तक बैठे रहते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे? ऐसे कैसे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? इसके पीछे लड़के अगर पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पब्लिक आके खड़े हो हमारे साथ, हम ये चाहते हैं। हम नहीं तोड़ना चाहते, हमने कोई भी प्रॉपर्टी का यहाँ नुकसान नहीं किया, आए शांति से बोले, लेकिन सरकार सुने भी तो उस चीज़ को। सबका उसने सॉल्यूशन दिया, एज बढ़ा दी, सब बढ़ा दी, पर पुराने लड़के वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? शांति से बात सुनते हैं। अगला कदम आप देख रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग हार्म नहीं करेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहते। मांग पूरी होनी पड़ेगी, क्या करेंगे आप उसके लिए? नहीं मांगेंगे, मांग पूरी होगी, अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पर हम अपनी प्रॉपर्टी को खराब नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे पर प्रॉपर्टी खराब नहीं करेंगे। आप लोग हमारे साथ आइए, मीडिया ये भी दिखाए 50 लड़कों ने सुसाइड कर लिया, वो तो साइलेंट थे ना, उनने तो कोई पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नाश नहीं करी, उनने तो अपने घर में सुसाइड किया। उनके माँ बाप से पूछिए जाके मीडिया कि क्या क्या गुजरती है वे उस माँ बाप पे। क्या नाम है आपका? आकाश तिवारी। क्या मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया? आज मुझे सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने तुगलकी फरमान एक जारी कर दिया है अग्निपथ योजना में, देश की सेना के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है वो अत्यंत ही निंदनीय है। और आज हमारे को सूचना प्राप्त हुई कि हमारे कुछ साथी कटनी में जो सेना की तैयारी कर रहे थे, मेहनत करके आज सेना में भर्ती होना चाहते थे और कटनी का और इस पूरे देश का नाम रोशन करना चाहते थे, वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि 4 साल के लिए केवल इनकी भर्ती की जाएगी, और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया है कि इनसे तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की सिक्योरिटी कराएंगे। उनको शर्म से डूब मरना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए भारतीय, और उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि देश का मामला है ये, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है ये। उन्होंने देश के साथ खिलवाड़ करने का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी फरमान जारी किया है, हम इन छात्रों के साथ खड़े हुए, कोई राजनीतिक छात्र नहीं है, इनकी ये मांग है कि अग्निपथ योजना में जो बदलाव किया गया है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। जिस प्रकार किसानों के 3 काले कानून सरकार ने लागू किए, किसानों ने आंदोलन किया, उसको इन्होंने तुरंत रोल बैक किया, आंदोलन के बाद इतने किसानों की मृत्यु हुई उसमें, आज ये लोगों ने सुसाइड कर लिया, 55 लड़कों ने, उसका कोई मीडिया नहीं दिखाई दिया। हाँ, तो आज ये जो छात्र हैं ये आंदोलित हैं, ये अपनी मांग को केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ऐसी कैसी मजबूरी है
कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं आप बोलते हो हम उनके हित में कर रहे हैं, वही खुश नहीं है। किसानों के कानून लेके आते हैं, किसान ही खुश नहीं रहते। तो ये जो सरकार है पूरी तरीके से कठपुतली बन के रह गई है बड़े बड़े उद्योगपतियों की। इसके पास निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरीके से इसकी शून्य हो चुकी है। हमने प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को इस बात के लिए आग्रह कर दिया है कि आने वाले समय में हम इन छात्रों के साथ मिलकर बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही प्रशासन की होगी और केंद्र सरकार की होगी। कब तक समय मांगे? हमने 15 दिवस का अल्टीमेटम यहां पर सरकार को दिया है। ये तो रहा है, आपकी पार्टी इस बार नगरी निकाय चुनाव में भी खड़ी हुई है और यहाँ पे बीजेपी नेता बोल रहे हैं हम 50,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। जो नेता ऐसा बोल रहे हैं।